हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल प्रभावी कंपटीशन हब। आज के इस वीडियो में बात करेंगे डिस्ट्री का जो क्विक बुक है जनरल साइंस का, उसका फिजिक्स का टॉपिक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्क एनर्जी एंड हीट। तो पहले देख लेते हैं वर्क क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट इसमें लिखा हुआ है कि हीट एंड वर्क आर टू डिफरेंट वेज ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। तो यह हीट या एनर्जी, ठीक है, वो दोनों एक्चुअली दोनों एनर्जी है, दोनों का यूनिट भी सेम ही होता है, बट एक डिफरेंट वे है एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का। फर्स्ट इसमें है वर्क। तो उससे पहले देख लेते हैं वर्क के बारे में। व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स एफ एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द डिस्प्लेसमेंट एस ऑफ द ऑब्जेक्ट टेक्स प्लेस इन अ स्ट्रेट लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इट इज सेड टू बी वर्क इज सेड टू बी डन। अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस पर हम कोई कांस्टेंट फोर्स एफ लगा रहे हैं, ठीक है, इस फोर्स एफ की वजह से इस ऑब्जेक्ट में एस का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसके ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं वर्क। ठीक, इसलिए वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस। ठीक है, दस वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो वर्क जो होता है ना, वर्क क्या होगा, जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है इनटू जितना डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, उसी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा। वर्क इज़ ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड नॉट एंड नॉट डायरेक्शन। तो एक्चुअली में फोर्स भी एक वैक्टर क्वान्टिटी है, लेकिन और डिस्प्लेसमेंट भी वैक्टर क्वान्टिटी है, इसके बावजूद भी जो वर्क है, वर्क एक स्केलर क्वान्टिटी है। स्केलर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो डायरेक्शन कोई मैटर नहीं करता, बस इसमें मैग्नीट्यूड मैटर करता है, तो कोई इसका डायरेक्शन नहीं होता है, और इसका यूनिट जो होता है वर्क का, ये है जूल। नेक्स्ट हमारा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मे नॉट एक्ट इन अ डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट मूव्स। तो ऐसा पॉसिबल है कि अगर फोर्स इधर लग रहा है, मान इस डायरेक्शन में, तो ऑब्जेक्ट इधर मूव कर जाए। ठीक है, इट इज़ पॉसिबल। तो इसलिए बोल रहा है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट अगर पे हम अगर फोर्स लगा रहे हैं, तो उसका जो मूवमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वो फोर्स के डायरेक्शन में हो या ना भी हो, ठीक है, लेकिन किसी डायरेक्शन में तो होगा, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, अगर इस तरीके से फोर्स लग रहा है और लेकिन मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये जो एंगल बनाया यहाँ पे, एंगल थीटा, ठीक है, इसके साथ हम वर्क का मतलब एक डेफिनेशन देंगे। तो द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डिफाइंस द डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। तो वो जो एंगल होगा, मतलब इसका एक्चुअली वहाँ पे वर्क का जो फॉर्मूला बन के आता है एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो थीटा जो एंगल होगा, यही डिसाइड करेगा कि वर्क पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या तो जीरो होगा। अगर जो वर्क जिधर जिस डायरेक्शन में वर्क हो रहा है, उस डायरेक्शन में अगर मतलब फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो वहाँ पे एंगल क्या होगा, एंगल तो ज़ीरो बनेगा। जब एंगल ज़ीरो बनेगा, हम जानते हैं कॉस ज़ीरो का वैल्यू क्या होता है, वन, तो उस केस में वर्क का फॉर्मूला होगा एफ एस। ठीक है, अगर ऐसा होता है कभी कि वर्क का वर्क जो है, मतलब जो फोर्स है वो एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट बॉडी का नीचे की तरफ हो रहा है, तो इस यहाँ पे एंगल कितना बना, 90 डिग्री का, और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, ज़ीरो। इस वजह से जो एफ एस कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो हो जाएगा ज़ीरो, मीन्स वर्क डन क्या हो गया, ज़ीरो। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डिफाइंस द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बनेगा, वही डिसाइड करेगा कि वर्क पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या तो ज़ीरो होगा। द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी पॉजिटिव व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन और द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज एक्यूट। तो जो पॉजिटिव वर्क कब होगा, जब जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एक्ट कर रहा है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, मीन्स एंगल बन रहा हो 0 डिग्री का, या तो अगर एंगल कुछ बन भी रहा हो तो वो 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, इस केस में क्या होगा, वर्क पॉजिटिव होगा। अगर फॉर एग्जांपल अ बेबी पुलिंग अ टॉय कार पैरेलल टू द ग्राउंड, जैसे कि कोई बच्चा है तो इस तरीके से फोर्स एग्जर्ट करता है और जो टॉय है वो भी इस तरीके से मूव करता है। ठीक है, फोर्स इधर लगता है, इधर मूव करता है, तो जो एंगल है ये भी एक्यूट एंगल होता है। नेक्स्ट है, वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन द फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्ट्यूज। तो वर्क जो होगा वो नेगेटिव कब होगा, या तो जो मतलब जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के जो एंगल है वो होना चाहिए ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, और या तो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट जो है वो दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होना चाहिए, मीन्स एंगल 180 का बनना चाहिए। तो इस केस में क्या होता है, वर्क जो होगा वो नेगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स द फोर्स एक्ट्स इन डाउनवर्ड, जैसे कि हम कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो फोर्स ऊपर की साइड लगाते हैं,
लेकिन कुछ देर के बाद क्या होता है कि जो बॉडी है वो तो नीचे आना है बॉडी को, तो इस केस में डिस्प्लेस जो डाउनवर्ड एक्शन में जो लग रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड एक्शन में हो रहा है, तो और जो मतलब जाने टाइम में बॉडी ऊपर सड़क जा रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा, वर्क जो होता है वो निगेटिव होता है। वर्क डन इज सेट टू बी जीरो व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू इच अदर। और वर्क डन जीरो कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितने का बन रहा हो, 90 डिग्री का बन रहा हो, तो हम वहाँ पे जो वर्क का जो होगा जीरो हो जाएगा वर्क, ठीक है। फॉर एग्जांपल व्हेन वी होल्ड एन ऑब्जेक्ट एंड वॉक द फोर्स एक्ट्स इन डाउनवर्ड एक्शन वेयर डिस्प्लेसमेंट एक्ट्स इन फॉरवर्ड एक्शन। जैसे कि अगर कोई सामान मेरे हाथ में है तो उसका हम उसको लेके चल रहे हैं, तो मूवमेंट तो इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, लेकिन फोर्स तो नीचे लग रहा है, बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस वजह से यहाँ पे जो एंगल कितने के 90 डिग्री का, तो यहाँ पे वर्क डन जो क्या होता है वो जीरो होता है। हम सिंपल केस में बोल सकते हैं कि अब वर्क डन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इनर्जी। इनर्जी इज़ द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू परफॉर्म अ वर्क। तो इनर्जी क्या है कि किसी भी बॉडी का एक कैपेसिटी है कि वो कितना वर्क परफॉर्म कर सकता है। द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लूजेज एनर्जी एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन गेंस एनर्जी। अगर कोई पर्सन काम करे तो उसका एनर्जी लूज होगा, लेकिन अगर इसको यहाँ पे अगर एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं मान लीजिए हीटर में, तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेरा खर्च हो रहा है, बट वहाँ पे क्या हो रहा है, हीट एनर्जी जनरेट हो रहा है। तो इस तरीके से जो वर्क एनर्जी वर्क जो कर रहा हो उसके से एनर्जी लॉस होता है, और जिस पे वर्क होता है जिस ऑब्जेक्ट पे, वो एनर्जी क्या करता है, गेन करता है। इट इज़ एज कलर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज सेम एज दैट ऑफ द वर्क। तो एनर्जी भी क्या है, एज कलर क्वांटिटी है, इसके पास भी डायरेक्शन नहीं होता, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। इसका भी एसआई यूनिट जूल ही है, इसको नोट करते हैं हम जे से। देर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सेज द मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। तो बहुत सारी एनर्जी के फॉर्म है, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और लाइट एनर्जी। फर्स्ट है इसमें हीट एनर्जी। हीट और थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी ओइंग टू द मूवमेंट ऑफ आइटम्स और मॉलिकुल्स। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो हीट एनर्जी या फिर थर्मल एनर्जी क्यों होता है, उसमें जो भी एटम्स या मॉलिकुल्स प्रेजेंट हैं उसमें जो मूवमेंट होता है उस वजह से उसमें हीट एनर्जी जनरेट होता है। फिर लाइट एनर्जी इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो लाइट जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट निकल रहा है तो दैट इज़ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको हम देख पा रहे हैं, क्योंकि विजिबल लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेंज में ही आता है। लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटोन विच आर प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट्स एटम हीट अप। और क्योंकि लाइट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो फोटोन्स का होता है, फोटोन एक तरीके से एनर्जी का पैकेट है। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट लाइट अप होता है तो उस केस में मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे जो उसके एटम्स मीन्स फोटोन जो है वो हीट अप हुए हैं। फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दिस इज द एनर्जी फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स द प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और आयंस। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होता है, आयंस के मूवमेंट्स के वजह से, ठीक है। तो ये भी एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि प्रोड्यूस होता है चार्ज पार्टिकल के वजह से, चाहे वो प्रोटॉन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन या फिर आयंस हो सकते हैं, ठीक है। फिर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, अब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, स्टार्स में। ऐसे सन का एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पे क्या होता है, हीलियम एटम्स बनता है हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन के मिलने से, और यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होता है। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, चाहे वो बैटरी में हो, है ना, लाइट एनर्जी बल्ब से होता है। फिर मैग्नेट जो है उसके पास मैग्नेटिक एनर्जी होता है। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट का एनर्जी उसकी पोजिशन के वजह से, अगर कोई किसी पेड़ में अगर फल लगा हुआ है वो ऊपर में, इसका मतलब क्या है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। जब वो नीचे गिरेगा तो किसी स्पीड से गिरेगा, मतलब उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। फिर सरफेस पर जाएगा तो उसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगा। और यहाँ पे क्या है, केमिकल एनर्जी है, यहाँ पे हम किसी चीज़ को हीट कर रहे हैं तो ये क्या है, थर्मल एनर्जी। अब मैग्नेटिक एनर्जी क्या है, दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी रिजल्ट फॉर्म अ मैग्नेटिक फील्ड। तो कोई भी मैग्नेट है तो वो अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, उस मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं तो वो जो मैग्नेट है वो ऑब्जेक्ट को अपने तरफ है ना, उसको पुल कर लेगा। इसका रीज़न क्या है कि वहाँ पे उसके पास क्या मैग्नेटिक एनर्जी है। फिर केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब बाई केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल एनर्जी कहाँ पर निकले, ऑब्वियस है ये केमिकल रिएक्शन में ही निकलेगा, ठीक है। इट इज़ और ये मतलब ये अगर रिलीज होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक, ठीक है। और अगर वो एब्जॉर्ब करेगा तो क्या बोलेंगे हम, एंडोथर्मिक। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेकिंग और फॉर्मिंग केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स एंड मॉलिकल्स। क्योंकि जब केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें रिएक्टेंट्स होंगे, वो प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। रिएक्टेंट भी कोई ना कोई एटम से बने होंगे, अगर मॉलिकल है तो एटम्स के बीच में कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रहा होगा। तो जब केमिकल रिएक्शन होगा वो जो बॉन्ड ब्रेक होगा वहाँ पे, उससे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, केमिकल एनर्जी। आगे बढ़ते हैं। फिर न्यूक्लियर एनर्जी,
दिस इज द एनर्जी फ्रॉम इंट्रैक्शन विद द प्रोटोन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ एन एटम. तो न्यूक्लियर एनर्जी कैसे जनरेट होता है, जब किसी भी एटम के प्रोटोन्स और न्यूट्रॉन्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, न्यूक्लियर एनर्जी इज रिलीज बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन एंड फ्यूजन. तो न्यूक्लियर एनर्जी भी जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं दो तरीके से, एक तो होता है फ्यूजन, दूसरा होता है फ्यूजन. तो फ्यूजन में क्या होता है कि जैसे कि सन में होता है एक हाइड्रोजन आइटम ले, दूसरा हाइड्रोजन आइटम लिया, वो हीलियम बना लिया, ठीक है. तो यहाँ पे दो आइटम्स हैं वो फ्यूज होकर एक आइटम बना दिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे फ्यूजन रिएक्शन. यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है. एक तो होता है फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन. तो कभी कभी क्या होता है जैसे कि जो भी बहुत ही हैवी मेटल जैसे कि यूरेनियम हो गई, ठीक है, 238 यूरेनियम 238 जो होता है, इसका इतना ज़्यादा मतलब ये है कि मतलब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है पहली बात तो ये, और ये जैसे ये ब्रेक होगा डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिटेंट में चाहे बेरियम प्लस क्रिप्टन में, तो यहाँ पे भी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा. इसको हम इस प्रोसेस को बोलेंगे फीसन. फिर मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी. एक तो होता है काइनेटिक एनर्जी जो कि किसी भी बॉडी में मूवमेंट के वजह से होता है. काइनेटिक एनर्जी उसी बॉडी में होगा जो कि मूव कर रहा होगा, और पोटेंशियल एनर्जी होता है किसी भी बॉडी में उसके पोजीशन के वजह से, ठीक है. और मैकेनिकल एनर्जी क्या है, इस दोनों का जो सम होगा वही क्या कहलाएगा, मैकेनिकल एनर्जी. पहला यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी. तो कुछ इसके कंडीशंस हैं, तो ऑब्जेक्ट्स इन मोशन, ये काइनेटिक एनर्जी वही ऑब्जेक्ट पोजेस करेगा जिसके पास कोई जो कि मोशन में होगा, चाहे वो मोशन वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मोशन में होना चाहिए और वो वर्क डन कर रहा हो, ठीक है. दस काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ मोशन. इससे हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या है, एक वर्क ऑफ मोशन है. इफ़ अ बॉडी ऑफ मास एम इज मूविंग विद वेलोसिटी वी, देन द काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय. तो यहाँ पे ये इसका हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास एम है, उसकी वेलोसिटी वी है, तो उसके केस में काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पे एम क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वी वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. इफ़ द मास ऑफ अ बॉडी इज डबल देन काइनेटिक एनर्जी विल गेट डबल. और सिंपल है क्योंकि ये जो है काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके मास के. अगर मास डबल होगा तो क्या काइनेटिक एनर्जी भी डबल होगा. फिर है कि इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय ट्वाइस देन काइनेटिक एनर्जी विल बी फोर टाइम्स. लेकिन अगर वेलोसिटी जो है अगर वो डबल होता है, टू भी हो जाता है, जैसे कि एग्जांपल ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेलोसिटी के स्क्वायर से. तो अगर यहाँ पे वी की जगह ये टू भी हो जाएगा तो टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, मीन्स काइनेटिक एनर्जी उस केस में क्या होगा, फोर टाइम्स, ठीक है. इन अदर वर्ड्स, एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर कैन डू मोर वर्क देन एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिवली स्लो. इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि बहुत फास्ट मूव कर रहा है, ठीक है, वो ज़्यादा वर्क कर सकता है अगर उसका मास कम भी है तो. उस आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के मतलब वही, अगर मास अगर सेम भी है और उसमें वेलोसिटी जिसका ज़्यादा है उसके पास अधिक एनर्जी होगा, ठीक है. फिर यहाँ पे एक डायग्राम समझाया गया कि हम कैसे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को समझ सकते हैं. जैसे कि कोई ये पर्सन है जो कि इस हिल पर चढ़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है. तो मोशन जब हो रहा है तो इसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. लेकिन जैसे यहाँ पे पीक पे पहुँच गया इसका, ये थोड़ा देर के लिए मान लेते रुक गया, जब जैसे ही वो रुक गया तो वहाँ पे उसके पास क्या होगा, पोटेंशियल, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगा क्योंकि ये किसी पोजिशन पर खड़ा है. फिर जैसे नीचे आएगा तो क्या होगा, ये यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इसके पास होगा, ठीक है. आने के टाइम में यहाँ पे ऐसे कोई लड़की जैसे यहाँ पे खड़ी है, ठीक है, तो इसके पास सिर्फ क्या, पोटेंशियल एनर्जी. और ये कोई ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ पे फेंक दी, अभी यहाँ इसके पास था तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी था, जैसे नीचे आ गए तो क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी और धीरे धीरे क्या हो, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है. तो आगे देख लेते हैं फिर से यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल, अ बुलेट फायर फ्रॉम अ गन, ब्लोइंग विंड एंड रोटेटिंग व्हील्स ऑल पोजेस काइनेटिक एनर्जी. इसका एग्जाम्पल देगा काइनेटिक एनर्जी कौन कौन से ऑब्जेक्ट पोजेस करता है. जैसे कि कोई बुलेट है अगर गन से फायर की, क्योंकि उसके पास तो मूवमेंट होगा, मोशन होगा, तो उसके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा. हवा चल रही है तो वो भी काइनेटिक एनर्जी होगा. व्हील्स रोटेट कर रहे हैं तो उसके पास भी काइनेटिक एनर्जी होगा. नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन और कन्फिग्रेशन. तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी में होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में होता है, किसके वजह से, उसके पोजीशन के वजह से, उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से. इसका एग्जांपल है, वाटर कलेक्टेड एट अ हाइट और एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेस्ड स्प्रिंग पोजेस पोटेंशियल एनर्जी. अगर एक हाइट पे अगर वाटर कलेक्ट किया हुआ है तो उसके पास क्या होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी होगा. और जैसे अगर मान लीजिए कोई स्प्रिंग है जिसको हम स्ट्रेच करके रखे हुए हैं बस, तो उसका क्या, कुछ उस टाइम में पोजीशन है, कुछ उसका कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसके पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा. एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस इस पोटेंशियल एनर्जी व्हेन रेस्ट थ्रू अ हाइट अगेंस्ट ग्रेविटी. तो जैसे जैसे हम
कोई भी ऑब्जेक्ट को हम फेंकते हैं किसी भी स्पीड से ऊपर में फेंकेंगे, धीरे धीरे क्या होगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करते जाएगा। द एनर्जी प्रेजेंट इन सच एन ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो जो पोटेंशियल एनर्जी है उस बॉडी में वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट है, इसलिए हम इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर फेंकने के बाद उसमें जो एनर्जी है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम इज पोजिशन एट अ हाइट ऑफ एच अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ देन पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय, अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास एम है ठीक है और वो एच हाइट पे है, मतलब ऊपर में ठीक है, एच हाइट पे है, उसको एच हाइट तक हम फेंक चुके हैं, तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको हम निकाल सकते हैं, जहाँ पे पी का फॉर्मूला होता है एम जी एच, जहाँ पे एम है मास ऑफ द बॉडी, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका वैल्यू हम 10 लेते हैं या फिर अप्रॉक्स मतलब एक्जैक्टली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और हाइट जो रहेगा जितना हाइट पे हम उस दिनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। Therefore, an object in a given position can have certain potential energy with respect to one level and a different value of potential energy with respect to another level. तो हम इससे कह सकते हैं कि क्योंकि ये जो है potential energy ये directly height पे depend है, अगर same object अगर अलग अलग height पे रखा हुआ है तो उसकी potential energy क्या हो जाएगी, different हो जाएगी ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर कन्वर्जन ऑफ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, तो कुछ इम्पॉर्टेंट है जैसे कि कोई इम्पॉर्टेंट जैसे बोल सकते हैं मशीन या फिर मैकेनिकल सब्सटेंसेस जिसमें एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग कि एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस उसका फॉर्म चेंज हो सकता है ठीक है। तो पहला ऐसे कि डायनमो कोई डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, लाउड स्पीकर है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है, माइक्रोफोन साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, सोलर सेल है ना, सोलर सेल जो है सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और बैटरी जो कि सेल होता है बैटरी जिसको टॉर्च या फिर ये वॉच में लगाते हैं ठीक है, तो ये जो है केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। However, सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट वुड बी द सेम एट ऑल पॉइंट्स, तो ऐसे इसके एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट को हम अगर ऊपर फेंक रहे हैं ठीक है, तो यहाँ पे अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो धीरे धीरे क्या होगा, कम हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी इसका जो बढ़ते जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा मैक्सिमम होगा ठीक है, यहाँ पे क्या होगा काइनेटिक एनर्जी जो है ये मैक्सिमम होगा, इस बीच में क्या होगा, इस पूरे पाथ में इसके बीच में इसके पास दोनों चीज़ होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा और काइनेटिक एनर्जी भी होगा ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के पूरे ड्यूरेशन में कहीं किसी भी पॉइंट का एनर्जी का अगर हम सम निकालेंगे तो वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा ठीक है। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी, हम लोग इसलिए पहले भी पढ़ चुके हैं कि वही जो सम काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर हमारा पावर, पावर क्या होता है, पावर इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, तो पावर क्या है कि जो अगर हम ऐसे करते हैं ना, अगर कुछ एक पर्टिकुलर टाइम में जो वर्क हो रहा है, एक यूनिट टाइम में जितना वर्क होता है या फिर जितना एनर्जी का ट्रांसफरेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। पावर इज इंक्रीज्ड इफ़ वर्क इज़ डन फास्टर, तो अगर किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो वर्क ज़्यादा फास्ट कर रहा है ठीक है, कोई एक मिनट में कर रहा है 100 जूल का वर्क, कोई 1000 जूल का वर्क कर रहा है, तो अब जैसे कि जो इसका पावर ज़्यादा होगा 1000 जूल वाले का, तो वर्क डन पावर इंक्रीज़ करेगा कब, जब वर्क डन भी इंक्रीज़ करेगा या फिर फास्ट होगा, और पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। फिर मेजरमेंट ऑफ पावर, पावर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अगर हम पर्टिकुलर वर्क कर रहे हैं डब्लू यूनिट का ठीक है और टाइम टी है ठीक है, तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डब्लू अपॉन टी, जहाँ पे डब्लू क्या वर्क डन और टी क्या टाइम। पावर इज मेजर्ड इन एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, सो द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट और जूल पर सेकेंड, क्योंकि पावर का जो फॉर्मूला है वो डब्ल्यू अपॉन टी है, हम लोग जानते हैं जूल का वर्क का जो यूनिट होता है वो जूल होता है और टाइम का सेकेंड, इसका यूनिट क्या होगा जूल पर सेकेंड, इसके अलावा हम जूल पर सेकंड को वाट भी कह सकते हैं, तो इसका यूनिट जो है पावर का वो वाट हो सकता है या तो हम जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं। सो वन वाट इज़ द पावर ऑफ एन एजेंट विच डज वर्क एट अ रेट ऑफ वन जूल पर सेकंड, तो पावर जो है वन, अगर वन वाट वर्क है और टाइम भी वन सेकंड है, तो यहाँ पे ये जो मतलब ये अगर वर्क जो है अगर वो ये वन जूल है ठीक है, वन जूल है और टाइम अगर वन सेकेंड है, तो यहाँ पे पावर क्या होगा वन वॉट होगा, तो वन वॉट वो मतलब पावर है जब वर्क डन वन जूल का हो और टाइम जो है वो वन सेकेंड का हो। द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर फॉर मोटर व्हीकल्स एंड अदर मशीन्स इज हॉर्स पावर, क्योंकि
तो ये जो वाट है ये बहुत ही छोटा यूनिट है, तो हम इसके लिए अगर जो बड़े इंजन से मोटर व्हीकल का जो अदर इंजन होता है उसका हम उसको मेज़र करते हैं उसके पावर को एच पी में, इसका फुल फॉर्म होता है हॉर्स पावर। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 HP का वैल्यू होता है 4746 वाट, ठीक है। कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज किलो वाट आवर, तो जैसे कि जो हमारा यूनिट आता है, ठीक है, मतलब कितने यूनिट्स का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ख़त्म हुआ है, तो मीटर में जो आता है तो वो होता है किलो वाट आवर में, ठीक है। और इससे को हम एक यूनिट बोलते हैं, 1 kW इज आवर इक्वल टू 1 यूनिट। तो इसका जो कमर्शियल यूनिट है पावर का वो है किलो वाट आवर। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज ड्यूरिंग अ मंथ इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट। इसका एग्जाम्पल जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो अगर एक मंथ में जो घर में आता है इलेक्ट्रिसिटी जो बिल आता है वो यूनिट्स के टर्म में आता है, और 1 यूनिट क्या होता है जो मतलब कि 1 kWh, ठीक है। 1 यूनिट मीन्स 1 kWh। किलोवाट आवर इज एनर्जी यूज इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 100 J/s। तो 1 kWh क्या है, वो एनर्जी जो कि हम 1 घंटे में कवर कर रहे हैं, 1 घंटे में मतलब ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। कितना, अगर 1000 J अगर हम ख़त्म कर रहे हैं तो वही क्या होगा, मेरा 1 kWh का वैल्यू होगा। ये दरअसल इंपॉर्टेंट है, तो 1 kWh इक्वल टू कितना होगा, 1000 W इंटू 36 सेकेंड। तो ये हुआ 36000 J, मतलब ऐसा बोल सकते हैं 1 kWh इक्वल टू 3.6 × 10⁶ J, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन। तो हम ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं कि किलोवाट आवर जो है, ऐसे मेज़र तो हम कर रहे हैं पावर को, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल हम क्या मेज़र कर रहे हैं, एनर्जी को मेज़र कर रहे हैं। तो किलोवाट आवर जो है वो किसका यूनिट है, पावर का यूनिट ना होकर किसका यूनिट है, ये यूनिट है एनर्जी का, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हीट, पहले तो देख लेते हैं हीट क्या होता है, ठीक है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन सब्सटेंसेस और सिस्टम ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम। तो हीट ट्रांसफरेंस तभी होगा जब ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या होगा, टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। तो हीट का, हीट एक क्या है, हीट इज ऑल्सो जो फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये दो सब्सटेंसेस के बीच में हीट का ट्रांसफर होता है कब, जब एनर्जी का डिफरेंस होता है। और हम हीट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एज एनर्जी इन ट्रांजिट फ्रॉम अ हायर टेम्परेचर रीजन टू अ लोअर टेम्परेचर रीजन। तो ये जो हीट है, हीट को हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, एनर्जी का जो ट्रांसफरेंस होता है एक हाई टेम्परेचर रीजन से लो टेम्परेचर रीजन की तरफ, तो हम इसी को क्या बोलेंगे, हीट बोलेंगे। बीइंग अ फॉर्म ऑफ एनर्जी हीट इज़ कंजर्व्ड, क्योंकि एक हीट भी क्या है, एनर्जी का फॉर्म है, इस वजह से हीट भी है, ये भी कंजर्व्ड है, मतलब ये ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता ना ही ये क्रिएट हो सकता है। इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, हाउएवर इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लेकिन हम इसको बस ट्रांसफर कर सकते हैं एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में। हीट कैन ऑल्सो भी कन्वर्टेड टू एंड फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल। और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हीट को हम अलग फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर से उसको अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है एक स्टीम टरबाइन है, जो कि पहले तो हीट एनर्जी को मतलब वो स्टीम में जो वो घूम रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, एनर्जी जो हो रहा है वो रोटेशनल एनर्जी है वहाँ पे, फिर वो कन्वर्ट होगा किस में, हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी फिर कन्वर्ट होगा किस में, काइनेटिक एनर्जी में, ताकि वो जनरेटर को मूव करेगा, फिर वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। मीन्स ये फर्दर ट्रांसफरेंस हो सकता है हीट का, है ना, एनर्जी का। लाइट बल्ब कैन कन्वर्ट दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट, ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई होगा वो तो कहीं से प्रोड्यूस होकर आया ना, घर में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होकर आया, चाहे वो थर्मल एनर्जी से हो, चाहे वो सोलर एनर्जी से हो, चाहे वो कोई भी और अदर सोर्स से हो, हाइड्रो पावर एनर्जी से हो सकता है। तो लेकिन वो जो घर में आएगा तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर से किस में कन्वर्ट होगा, लाइट एनर्जी में, ठीक है। हम उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन एब्जॉर्ब्ड बाय अ सरफेस इट इज़ कन्वर्टेड बैक इनटू हीट, मतलब अगर कोई भी लाइट एनर्जी है और वो इस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो फिर से वो हीट में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। फिर बोल रहा है हीट, हीट इज़ मेजर्ड इन कैलोरीज और जूल्स, क्योंकि हीट भी एनर्जी का ही फॉर्म है, तो इसका यूनिट भी क्या होता है, जूल या फिर कैलोरी। वेयर कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 gram ऑफ प्योर लिक्विड वाटर बाय 1 degree। तो अब हम 1 कैलोरी को कैसे डिफाइन करेंगे कि 1 कैलोरी एनर्जी कितना होगा, कोई भी अगर हम प्योर लिक्विड लें, जैसे कि वाटर को ही लेते हैं, अगर 1 gram वाटर है, ठीक है, उसके टेम्परेचर को 1 unit से मीन्स 1 degree सेंटीग्रेड से इंक्रीज करने में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देना पड़ेगा, कितना अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करना पड़ेगा, वही क्या होगा, उसका हीट होगा। और 1 कैलोरी का वैल्यू कितना होता है, 4.184 J, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ हीट, अब हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय 3 methods। तो हीट जो है वो मेनली एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में अलग अलग तरीके से हो सकता है। इसमें 3 methods मेनली है, पहला है कंडक्शन जो कि सॉलिड में होता है, कन्वेक्शन जो कि फ्लूइड में होता है, ठीक है, फ्लूइड मतलब लिक्विड गैस बोथ, रेडिएशन से जैसे कि मतलब चाहे गैसेस का हम मेनली करते हैं रेडिएशन के थ्रू। और डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो इज़ फ्रॉम द सब्सटेंस ऑफ हायर टेम्परेचर टू द सब्सटेंस ऑफ लोअर टेम्परेचर। और जब भी हीट का जो फ्लो होगा वो हमेशा कब हो, कैसे होगा, एक हायर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट से एक लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट की तरफ, ठीक है। पहला मेथड है हमारा कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है,
कंडक्शन ट्रांसफर हीट बाय डायरेक्ट मॉलिकुलर कॉलिजन. कंडक्शन अकर्स बिटवीन व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट टेम्परेचर्स आर इन कॉन्टैक्ट विच इच अदर. तो कंडक्शन में क्या होता है कि ये जो एनर्जी ट्रांसफर होता है, ये अगर यहाँ पे हम ऐसे आग जला दी है, ठीक है, इट्स नॉट ऐसे नहीं, अगर हम यहाँ पे ऐसे आग जला दी है, ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे कि यहाँ पे हम एक रॉड पकड़े हुए हैं यहाँ पे, तो पहले क्या होगा, अब जो इसका फ्रंट वाला पार्ट है पहला, तो वो गर्म होगा, ठीक है, ये यहाँ पे गर्म हो गया. तो फिर क्या, इसमें जो मॉलिकल्स हैं वो एक दूसरे से कोलाइड करके एनर्जी को ट्रांसफर करके 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 कुछ देर के बाद क्या होगा कि फिर एनर्जी जो है यहाँ पे पहुँच जाएगा. मीन्स यहाँ पे क्या हो, एनर्जी का तो हीट का तो फ्लो हो रहा है, बट किस मेथड से, मॉलिकल्स के कॉलिजन की वजह से. और जो जो इस ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफर हो रहा है वो दोनों दूसरे के कॉन्टैक्ट में, हीट के कॉन्टैक्ट में. इसका मतलब कह सकते हैं कि ये जो होगा ये तभी होगा कंडक्शन जब दो ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर डिफरेंट है वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होगा. हीट फ्लोज फ्रॉम द वार्मर टू द कूलर ऑब्जेक्ट्स एज एन एरिया यूनिट बोथ अंटिल बोथ आर एट द सेम टेम्परेचर. और हीट का जो फ्लो होगा वो तब तक होगा ऐसे कंडक्शन मैथड से जब तक जो मेरे पास रॉड है और जब तक यहाँ पे जो ये यहाँ पे आग लगा हुआ है, ठीक है, आग जला हुआ, जो उस दोनों का टेम्परेचर जब तक सेम नहीं जाएगा रॉड और इसका, तब तक जो है हीट का फ्लो होता ही रहेगा. द मूवमेंट ऑफ हीट थ्रू अ सब्सटेंस टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ मॉलिकुलर एक्साइटमेंट विद इन अ मटेरियल विदाउट बल्क मोशन ऑफ द मैटर. तो ये जो हीट का जो ट्रांसफर होता है या फिर हीट का जो मूवमेंट होता है सब्सटेंस में, वो होता है उसके मॉलिकुल्स के एक्साइटमेंट की वजह से, ठीक है, जो कि एक जो एनर्जी को गेन करता है पहले, फिर उसको ट्रांसफर करता है बाय द मॉलिकुल्स. एट द प्लेस वेयर द टू ऑब्जेक्ट्स टच, द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स ऑफ द वार्मर ऑब्जेक्ट कोलाइड विद द स्लोअर मूविंग पार्टिकल्स ऑफ द कूलर ऑब्जेक्ट. तो क्योंकि जो अगर यहाँ पे आ गए, ठीक है, तो उसमें इसके कॉन्टेक्ट में जो फर्स्ट वाला पार्ट होगा रॉड का, वो तो वहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले वो काफ़ी ज़्यादा वार्म होगा. जब काफ़ी ज़्यादा वार्म होगा तो जब जैसे ही हम एनर्जी को बढ़ाएंगे, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उसका मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ कर जाएगा. फिर उस काइनेटिक एनर्जी को क्या करेगा, वो नेक्स्ट मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देगा. एज दे कोलाइड द फास्टर मॉलिक्यूल्स गिव अप सम ऑफ द एनर्जी टू द स्लोअर मॉलिक्यूल. जैसे ही जो फास्टर मॉलिक्यूल्स है वो कोलाइड करके कुछ एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा स्लोअर मॉलिक्यूल्स में, फिर जो स्लोअर मॉलिक्यूल्स है वो और थर्मल एनर्जी को गेन करेगा, फिर एक दूसरे से कोलाइड करके वो नेक्स्ट वाले को ट्रांसफर करेगा. दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द हीट एनर्जी फ्रॉम द वार्मर ऑब्जेक्ट स्प्रेड थ्रू आउट द कूलर ऑब्जेक्ट. ये जो प्रोसेस है तब तक चलेगा जब तक कि ये जो पूरा जो रॉड है वो तब तक गर्म ना हो जाए, तब तक उस रॉड का टेम्परेचर उस फायर के टेम्परेचर से सेम ना हो जाए. द प्रोसेस ऑफ हीट कंडक्शन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग बेसिक फैक्टर्स. तो जो प्रोसेस होता है हीट के कंडक्शन का, जो हीट कंडक्शन मैथड से फ्लो होता है उसका, वो तीन बेसिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. पहला द टेम्परेचर ग्रेडियंट, इट डिस्क्राइब्स द डायरेक्शन एंड रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज. टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है कि किस डायरेक्शन से या किस रेट से टेम्परेचर का चेंज हो रहा है. हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द हॉटर टू कोल्डर सोर्स बिकॉज कोल्ड रिप्रेजेंट्स द एब्सेंस ऑफ हीट एनर्जी. सिंपल है, जब भी हीट का ट्रांसफर होगा वो तो हमेशा कोल्ड, ये हीट मतलब हॉट ऑब्जेक्ट से तो कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरह होगा, क्योंकि कोल्ड ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है, हीट एनर्जी नहीं होता है. द ट्रांसफर बिटवीन बॉडीज कंटिन्यूज अंटिल द टेम्परेचर डिफरेंस बिकम जीरो और कॉन्टैक्ट इज ब्रोकन. और कंडक्शन के थ्रू ये हीट का एनर्जी को ट्रांसफरेंस है वो तब तक होगा जब तक जिस ऑब्जेक्ट को हम में हीट हम ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट से दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए या तो उस दोनों का कॉन्टैक्ट जो है वो ब्रेक ना हो जाए, ठीक है. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है कि ये यहाँ पे एक कंडक्शन मैथड है कि हम यहाँ पे आग जलाए हुए हैं और इस रॉड्स को यहाँ पे हम हीट कर रहे हैं, फिर इस रॉड से पहले ये वाला पार्ट गर्म हुआ, फिर इस ट्रांसफर को एनर्जी इधर किया, फिर ऐसे करके पूरा रॉड गर्म हो जाएगा, ठीक है. तो नेक्स्ट का द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल्स इन्वॉल्व. और उसके बाद क्या है कि किस पे डिपेंड करता है, सेकंड है द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल्स इन्वॉल्व, मतलब वो जो फायर के कॉन्टैक्ट में कितना पोर्शन रॉड का इन्वॉल्व है उस पे डिपेंड करता है. द ग्रेटर द साइज ऑफ मटेरियल द मोर हीट इज नीडेड टू वार्म इट. क्योंकि जितना अधिक बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसको उतना ही अधिक एनर्जी चाहिए होगा, उतना ही हीट चाहिए होगा उसको हीटअप करने के लिए. एज अ कॉलररी ऑब्जेक्ट्स विथ स्मॉलर क्रॉस सेक्शंस आर बेस्ट एट मिनिमाइजिंग द लॉस ऑफ हीट एनर्जी. और ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितना छोटा होगा उसमें हीट के ट्रांसफर होने में एनर्जी का जो वेस्ट है वो बहुत कम होगा, ठीक है. नेक्स्ट है हमारा द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स. कंडक्शन में ये भी मैटर करता है कि जिस मटेरियल को हम हीटअप करना चाह रहे हैं वो एक्चुअल में हीटअप हो सकता भी है या नहीं, ठीक है, मतलब वो हीट को कंडक्ट तो करता हो, है ना. द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट. तो वो ऑब्जेक्ट जो कि हीट को आराम से अपने थ्रू जो है पास करने देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट बोलते हैं, ठीक है. इसका एग्जांपल है मेटल्स, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स, ग्रेफाइट, ह्यूमन बॉडी, ठीक है. मटेरियल्स दैट आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट आर कॉल्ड इंसुलेटर. लेकिन जो ऑब्जेक्ट, जो मटेरियल, जो सब्सटेंस वो हीट को ट्रांसफर होने नहीं देता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर, हीट इंसुलेटर.
उसका एग्जांपल है रबर है ना, वुड, टेफलन, या फिर कुकिंग यूटेंसिल्स में जो टेफलन होता है वो। फिर नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है हीट को ट्रांसफ़र करने का, कन्वेक्शन। द मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट इन लिक्विड्स एंड गैसेज ड्यू टू द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज द कन्वेक्शन। तो वहाँ पे क्या हो रहा था कंडक्शन वाले मेथड में, बस एनर्जी का जो है पार्टिकल्स जो है बस कोलाइड करके एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे थे। लेकिन कन्वेक्शन में क्या होगा कि डायरेक्टली जो है हीट या फिर जो हीट जो है वो डायरेक्टली उस मॉलिक्यूल्स जो है वो खुद ही मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा और वो दूसरे पार्ट को गर्म करेंगे। जैसे कि इसलिए कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं लिक्विड को हीट करके या गैसेस को हीट करके, इन सॉलिड्स द मॉलिक्यूल्स आर नॉट फ्री टू मूव एंड देयरफॉर हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन इन सॉलिड्स इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि कन्वेक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट का ट्रांसफर हो रहा है मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट की वजह से, और यहाँ पे सॉलिड में तो फ्रीली मूव नहीं कर सकते ना सॉलिड के मॉलिक्यूल्स, इस वजह से सॉलिड में कन्वेक्शन प्रोसेस काम नहीं करता है। वन अ लिक्विड और गैस इज हीटेड द मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस सब्सटेंस गेट लाइटेंड एंड रिजल्ट राइज अपवर्ड्स, दिस कॉजेज डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि लिक्विड और या फिर फ्लूइड में क्या होता है, जैसे हम उसको हीट करेंगे तो क्या वो उसको एनर्जी उस अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, फिर वो ऊपर चले जाएगा मतलब उस एनर्जी के हेल्प से, उसकी वजह से क्या होगा उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, मूव करेंगे वो। एज द इमीडिएट हॉट एयर राइजेज इट पुशेस डेंसर कोल्डर एयर डाउन विच अगेन गेट्स हीटेड। तो जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ कि जैसे अगर मतलब ये हम पूरा यहाँ पे एयर है, ठीक है, यहाँ पे हम सिंपली अगर आग लाए हुए हैं तो क्या होगा, पहले ये जो एरिया है ये पहले हीटअप होगा, फिर ये जितना भी एयर जो हीट हो गया है वो ऊपर उठ जाएगा, फिर इसके ऊपर वाला जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से पूरा जो एरिया है वो गर्म होता जाएगा। दिस सीरीज ऑफ इवेंट्स रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट। और इसी जो अलग अलग इवेंट्स होते हैं इस तरीके से हीट का जो मूवमेंट होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे कन्वेक्शन करंट्स का फॉर्मेशन होता है। दिस साइकिल रिजल्ट इन अ कंटिन्यूस सर्कुलेशन पैटर्न और कन्वेक्शनल करंट एंड हीट इज ट्रांसफर थ्रू आउट द लिक्विड और गैस। ये जो साइकिल है कन्वेक्शन का ये कंटिन्यू चलता है और ये जो एयर है या फिर पूरा सर्कुलेशन है हीट का वो चलते रहता है। इस ये किस में होता है, जनरली लिक्विड और गैसेज में। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, द रूम हीटर हीट्स द एयर सराउंडिंग इट नियर द फ्लोर, द हीटेड एयर एक्सपेंड्स एंड राइजेज टू द टॉप ऑफ द रूम, दिस फोर्सेस डाउन द कूलर एयर सो दैट इट गेट्स हीटेड। जैसे कि हीटर है, हीटर तो एक कोने में पड़ा रहता है ना, लेकिन पूरा रूम गर्म होता है। इसका रीज़न क्या है कि जो पहले हीटर के आसपास का एयर है पहले वो गर्म होगा, फिर वहाँ से ऊपर चला जाएगा, ठीक है, फिर ऊपर का जो एयर है जो कि ठंडा है अभी फिर इसका प्लेस लेगा, फिर वो गर्म होगा। तो ये जो प्रोसेस है कंटिन्यू चलता है जब तक कि पूरा रूम जो है गर्म ना हो जाए। इन बॉइलिंग वाटर द हीट पासेस फ्रॉम द बर्नर इनटू द पॉट हीटिंग द वाटर एट द बॉटम एंड रिजल्टिंग इन कन्वेक्शन। और बॉइलिंग जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो वाटर का जो नीचे वाला पार्ट है वो गर्म होगा, फिर वो ऊपर आएगा, उसके बाद नीचे वाला वाटर है जो नीचे जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो वाटर का पहले जो बॉटम पार्ट है फिर वो कन्वेक्शन के थ्रू पहले बॉयल होता है, फिर उसके नीचे वाला पार्ट है वो कन्वेक्शन के थ्रू ये मतलब बॉयल होता है, ठीक है। कन्वेक्शन इन द एटमॉस्फेयर कॉजेस वार्म एयर टू राइज अप एंड फॉल ऑफ कूल एयर। तो कन्वेक्शन जो है कन्वेक्शन प्रोसेस के वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेयर में वार्म एयर जो है वो ऊपर जाता है और कूल एयर जो है वो नीचे आता है। इसी कन्वेक्शन प्रोसेस की वजह से जो एटमॉस्फेयर का जो वार्म एयर है वो राइज अप होता है और जो कूल एयर है वो नीचे आता है, ठीक है। द हीट एनर्जी इज ट्रांसफर बाय सर्कुलेशन ऑफ एयर। जो हीट जो ट्रांसफर होता है कैसे होता है, बाय सर्कुलेशन ऑफ एयर। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया डायग्राम में कि ये कन्वेक्शन का प्रोसेस होता है कैसे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आग है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या है कि हम आग को ये जस्ट उसके ऊपर रखे हुए हैं, तो पहले ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे ये गर्म होगा, फिर ये ट्रांसफर होगा यहाँ पे, जब हाथ में टच होगा तो फिर ये हमें गर्म लगेगा, ठीक है। रेडिएशन हैपेंस व्हेन हीट मूव्स एज एनर्जी वेव्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स दैट इज द रेडिएटिंग ऑब्जेक्ट टू अनदर बॉडी। रेडिएशन के थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर तब होगा जब किसी ऑब्जेक्ट से क्या होगा, हीट वेव्स फॉर्म होंगे, मतलब हीट एनर्जी जो है वो एक तरीके से वेव में कन्वर्ट हो जाएगा। वो एनर्जी वेव्स है उसको हम लोग क्या बोले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो है वो सोर्स है जिस मतलब जो रेडिएटिंग बॉडी है जो मतलब हीट रेडिएशंस को निकाल रहा है, रिलीज कर रहा है, इमिट कर रहा है, उससे वो अनदर बॉडी में ट्रांसफर होगा। रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एन इंटरवेनिंग मीडियम, इट कैन अकर इवन थ्रू वैक्यूम। तो रेडिएशन जो है रेडिएशन के थ्रू एनर्जी को ट्रांसफर होने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, ठीक है, ये सिंपली वैक्यूम में भी ट्रांसफर हो सकता है। ऑल मटेरियल्स रेडिएट थर्मल एनर्जी बेस्ड ऑन देयर टेम्परेचर। तो जितना भी मटेरियल जो कि थर्मल रेडिएशन एनर्जी या फिर जनरेट करता है, ठीक है, रेडिएशन तो रिलीज करता है रेडिएटिंग ऑब्जेक्ट, वो कितना रेडिएशन जनरेट करेगा ये डिपेंड करता है उसका टेम्परेचर कितना है। जितना ऑब्जेक्ट हॉटर रहेगा उसमें उतना अधिक एनर्जी जो है वो रेडिएट होगा, उतना अधिक रेडिएशन वहाँ से रिलीज होगा। द सन इज एन क्लियर एग्जांपल ऑफ हीट रेडिएशन दैट ट्रांसफर हीट अक्रॉस द सोलर सिस्टम। तो इसलिए कि सन के थ्रू जो एनर्जी आता है अर्थ पे आए या फिर किसी भी दूसरे प्लैनेट पे जाए वो किसके थ्रू आता है, रेडिएशन के थ्रू ही, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा
हॉट है और इतना ज़्यादा हॉट की वजह से उसके पास रेडिएशन से बहुत ज़्यादा रिलीज होते हैं, तो वो आराम से प्लैनेट्स या अर्थ ये सबको गर्म कर सकता है। टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट अफेक्ट्स द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएटेड वेव्स। तो टेम्परेचर जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसका उससे जो रेडिएशंस निकलेगा, उसका वेवलेंथ, उसकी फ्रीक्वेंसी, ये सब भी उसके टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द वेवलेंथ इन द स्पेक्ट्रा ऑफ द इमिटेड रेडिएशन डिक्रीजेज। जैसे जैसे एनर्जी जो है रेडिएटिंग बॉडी का वो इंक्रीज़ करेगा, उसका जो वेवलेंथ रिलीज होगा वहाँ से, उस रेडिएशन का जो वेवलेंथ होगा वो हमेशा कम होते जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है कि अगर जिसका एनर्जी कम है, ठीक है, तो उसका रेडिएशन जो होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। और क्योंकि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। एनर्जी ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगा, ठीक है, एनर्जी कम तो फ्रीक्वेंसी भी कम। लेकिन एनर्जी और वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लैम्डा के। तो लैम्डा बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगा, ये एनर्जी बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा। नेक्स्ट हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। तो फिर इसमें क्या, डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट्स एब्जॉर्ब रेडिएशन बेटर देन द लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट्स। तो जितने भी डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हम अगर ब्लैक का एग्जांपल है, तो ब्लैक सारा ऑलमोस्ट सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जितना अधिक जो डार्क होगा ऑब्जेक्ट, उतना अधिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। दिस इज़ द रीज़न वाई वी फील मोर कम्फर्टेबल इन लाइट कलर्ड क्लॉथ इन द समर। इसका यही रीज़न है कि हम अगर लाइट कलर्ड क्लॉथ पहनते हैं समर में, तो हमें ज़्यादा कम्फर्टेबल लगता है, क्योंकि वो कम हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। वुलन क्लॉथ कीप अस वार्म ड्यूरिंग विंटर, इट इज़ सो बिकॉज वूल इज़ अ पोअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इट हैज़ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द फाइबर्स। और वुलन क्लॉथ जो है वो हम लोग विंटर सीजन में पहनते हैं, इसका रीज़न ये है कि वूल जो है वो हीट का पोअर कंडक्टर है, लेकिन उसके अंदर जितने भी मतलब एयर हैं, मतलब फाइबर्स के जो एयर फंसे हुए हैं, ठीक है, हॉट एयर, इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी गर्म रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो ये क्या बोलता है, इट स्टेट दैट द रेट ऑफ हीट लॉस्ट बाय द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज। तो कोई भी बॉडी है, ठीक है, वो कितना हीट रेडिएट करेगा, ये डिपेंड करता है क्या उसका टेम्परेचर, मतलब जो बॉडी हीट को इजेक्ट कर रहा है, इमिट कर रहा है, ठीक है, उसका टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है। जितना अधिक डिफरेंस होगा टेम्परेचर का, उतना अधिक वो हीट को लॉस करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अ कप ऑफ टी एट 75 डिग्री सेंटीग्रेड लूजेस एट हीट एट मच फास्टर रेट टू सराउंडिंग एट अ टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड एज कम्पेयर टू सराउंडिंग 35 डिग्री सेल्सियस समर सीजन में, ठीक है। तो अगर कप ऑफ टी इसका टेम्परेचर 75 डिग्री सेंटीग्रेड है और सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वहाँ अधिक हीट से वो एनर्जी। ये रीज़न है कि जो विंटर सीजन में चाय जो लेट ना हो जाता है, ठीक है, इन कंपेरिजन टू समर सीजन में, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो कम है। दिस लॉ इज यूजफुल इन स्टडी ऑफ हीटिंग वाटर एज इट हैव कैन हैव द एट व्हाट रेट द हीटर शुड हीट अप द वाटर टू कंपोनेंट्स फॉर द कूलिंग ऑफ द पाइप्स। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का हम यूज़ वहाँ पे कर सकते हैं, अगर हमें ये बताना है कि जो वाटर है उसमें कितना मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना है, कितना हीट लूज़ करेगा, ठीक है, या फिर अगर हम पाइप जो है वो कूल डाउन रहा था, हम कैसे उसको कंपनसेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हीट एंड स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर नॉर्मली एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो जो नॉर्मली होता है वो मैटर तीन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। ऑल दो इसके पाँच स्टेट होते हैं, फोर्थ है प्लाज्मा, फिफ्थ है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बट फिर भी हम लोग मेनली अभी तीन के बारे में पढ़ते हैं, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। वन एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन मैटर एंड इट्स सराउंडिंग थ्रू प्रोसेस लाइक सब्लिमेशन, बॉयलिंग एंड एवोपरेशन, द स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस। जब हीट का ट्रांसफर होता है कुछ प्रोसेस से, लाइक सब्लिमेशन है ना, बॉयलिंग, एवोपरेशन, इस केस में क्या होता है कि जो मैटर का जो स्टेट है, अगर सॉलिड है लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, ये कन्वर्ट होते रहता है, ठीक है। पहला प्रोसेस इसमें सब्लिमेशन, इट इज़ द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस डायरेक्टली टू द गैस स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द इंटरमीडिएट लिक्विड स्टेट। तो सब्लिमेशन मतलब प्रोसेस है हीट का चेंज होने का, हीट ट्रांसफर होने का, जहाँ पे क्या होता है हीट जो है वो हीट के वजह से डायरेक्टली जो है कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है वो बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, कम्फोर है ना, नेफ्थलीन, ड्राइस, सोडियम, सॉलिड कार्बन, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सबलाइम कहते हैं, क्योंकि ये जो है ये सब्सटेंस सब्लिमेशन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। ऑल दो ऐसे सब्सटेंस बहुत कम है, बट फिर भी इससे भी एक हीट का ट्रांसफरेंस हो सकता है। द अपोजिट प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन वेर अ गैस अंडरगोस अ फेज चेंज इन टू सॉलिड फॉर्म इज कॉल्ड डिपोजिशन और डी सब्लिमेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, एक इसमें सब्लिमेशन में, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्टली जो गैस में है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए हुए। तो इस जो रिवर्स प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिपोजिशन या डी सब्लिमेशन। नेक्स्ट है बॉइलिंग।
बॉइलिंग इज डिफाइंड एज द फेस ट्रांजिशन फ्रॉम अ लिक्विड स्टेट टू द गैस स्टेट. तो बॉइलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हीट की वजह से सब्सटेंस का जो स्टेट है वो डायरेक्टली लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, और ये जो होता है जनरली हम इसको हीट करने के बाद ये होता है किस पे, बॉइलिंग पॉइंट पे. मतलब हर एक लिक्विड का एक स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट है जिस टेम्परेचर पे वो गैस में कन्वर्ट होगा. तो ये उसी मतलब पॉइंट पे होगा. एट द बॉइलिंग पॉइंट द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज द सेम एज द एक्सटर्नल प्रेशर एक्टिंग अपॉन इट्स सर्फेस. तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे ही वो कन्वर्ट होता है वेपर प्रेशर, मतलब वेपर में. इसका रीज़न ये है कि वो जो वेपर प्रेशर होता है उस टाइम में लिक्विड का वो सेम होता है डेट वेपर प्रेशर डेट इज उस सर्फेस पे जो एक्ट कर रहा होता है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे ऐसे कि ये दिखाया गया कि हीट जो है कैसे वो रिलेटेड है हीट एंड स्टेट्स ऑफ मैटर. तो पहला यहाँ पे है कि आइस है, वो आइस डायरेक्टली कन्वर्ट होगा किसमें, वेपर में. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन. ठीक है, और आइस जो है वो मेल्ट करके किसमें हुआ, कन्वर्ट लिक्विड में. इसको बोलेंगे मेल्टिंग प्रोसेस या फिर इसको फ्यूज़न भी कहते हैं. फिर है कि अगर लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, आइस में, तो वह फ्रीजिंग प्रोसेस से होता है. फिर वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट हुआ, ये क्या होगा, एवेपोरेशन प्रोसेस. वेपर से होगा लिक्विड, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कंडेंसेशन प्रोसेस. वेपर से डायरेक्टली क्या बनेगा, आइस, इसको हम लोग बोलेंगे डिपोजिशन. तो यहाँ पे क्या है कि पहले तो आइस को अगर कन्वर्ट होना है किसमें, वेपर में, तो यहाँ पे क्या करेगा, एनर्जी जो है वो लेकर तब ना कन्वर्ट होगा वेपर में. लेकिन अगर वेपर से आइस में कन्वर्ट होना है तो सबसे पहले क्या करेगा, एनवायरमेंट को जो है वो एनर्जी देगा. ठीक है, फिर है हमारा लेटेंट हीट. लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट इज द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू बी अब्सॉर्ब्ड और रिलीज बाय सब्सटेंस टू चेंज इट स्टेट. तो लेटेंट हीट वो एनर्जी है, लेटेंट हीट का मतलब क्या हुआ, हिडन एनर्जी. ठीक है, तो क्योंकि अगर हम आइस को रखेंगे तो क्या कुछ देर के बाद क्या होता है ना कि वो उसके अंदर के लेटेंट एनर्जी की वजह से वो खुद ब खुद लिक्विड कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है. तो वो ये क्या हो रहा है, उसमें हिडन एनर्जी हमें दिख नहीं रहा, बट वो एनर्जी जो है वो हिडन है उसमें. और इसके वजह से क्या होता है कि वो जो अपना स्टेट चेंज कर पाता है. इसका यूनिट क्या होता है, हीट, जैसे कि हीट का यूनिट है सिंपल, वो जूल पर केजी. ठीक है, इट इज़ अ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू लिक्विड और वेपर और अ लिक्विड इनटू अ वेपर विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर. तो लेटेंट हीट वो हीट है जो कि जिसके थ्रू हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं या फिर वेपर में, या फिर लिक्विड को वेपर में बिना टेम्परेचर में कोई चेंज लाए हुए. लेटेंट हीट डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस. लेटेंट एनर्जी की वजह से जो जिस पार्टिकल में हमें हीट का ट्रांसफरेंस होना है उसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज नहीं होता है, इसलिए टेम्परेचर जो होता है वो सब्सटेंस का चेंज नहीं होता है. ठीक है, बस स्टेट चेंज होता है. द लेटेंट हीट विच वी सप्लाई इज यूज इन ओवरकमिंग द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट. तो लेटेंट एनर्जी जो हम सप्लाई करते हैं वो किस लिए होता है, पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम करने के लिए, और उसका स्टेट चेंज करता है, लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं कर पाता है क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है. द लेटेंट हीट एसोसिएटेड विद मेल्टिंग अ सॉलिड और फ्रीजिंग अ लिक्विड इज कॉल्ड हीट ऑफ फ्यूजन. तो कोई भी सब्सटेंस को अगर हमें सॉलिड में कन्वर्ट करना है या फिर हमें सॉलिड से अगर हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्यूजन. तो फ्यूजन में जो हीट एनर्जी हमें लगेगा लेटेंट हीट, उसको बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन. और द डेट एसोसिएटेड विद वेपराइजिंग अ लिक्विड और सॉलिड और कंडेंसिंग अ वेपर इज कॉल्ड हीट ऑफ वेपराइजेशन. लेकिन अगर हमें लिक्विड से जाना है किसमें, लिक्विड से जाना है हमें वेपर में. ठीक है, तो उसके इसमें जो वेपराइजेशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. नेक्स्ट हमारा स्पेसिफिक हीट. तो स्पेसिफिक हीट क्या है, स्पेसिफिक हीट एक रेशियो है. ठीक है, तो मतलब किसका रेशियो है, अगर हमें पर्टिकुलर किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से रेज करना है और दूसरा बॉडी जैसे कि वाटर है उसका टेम्परेचर हमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड से हमें रेज करना है, उस दोनों का जो रेशियो होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट बोलेंगे. सो लिखा हुआ है यहाँ पे, स्पेसिफिक हीट इज द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री टू डेट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एन इक्वल मास ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री. इन सिंपल टर्म्स, स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस. इसलिए कह सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट क्या है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री ऑफ 1 यूनिट मास. ठीक है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 कैलोरी पर ग्राम. स्पेसिफिक हीट वाटर का कितना होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम या फिर 4.816 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड विच इज़ हायर देन एनी अदर कॉमन सब्सटेंस. ठीक है, तो बाकी सब्सटेंस से बहुत ज़्यादा होता है वाटर के केस में. ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है एवेपोरेशन. एवेपोरेशन इज द प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंजेस फ्रॉम अ लिक्विड टू अ गैस और वेपर. तो एवेपोरेशन वो प्रोसेस है जिसके वजह से क्या होता है कि लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एवेपोरेशन. तो एवेपोरेशन इज द सर्फेस फेनोमेनन. पार्टिकल्स फ्रॉम द सर्फेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द सर्फेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड एंड चेंजेस इन द वेपर स्टेट.
तो एवेपोरेशन एक सरफेस फेनोमेनन है जिसमें क्या होता है कि सरफेस के जो पार्टिकल्स है वो इतना एनर्जी गेन कर लेता था कि वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके बीच में उसको ओवरकम कर पाए, ठीक है, और वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट है हमारा द रेट ऑफ एवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन द सर्फेस एरिया एक्सपोज टू द एटमोसफेयर द टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड द विंड स्पीड एवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। तो पहले यहाँ पे द रेट ऑफ एवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन द सर्फेस एरिया एक्सपोज टू द एटमोसफेयर। तो किसी भी सब्सटेंस से कितना अधिक एवेपोरेशन होगा किसी भी लिक्विड का वो डिपेंड करेगा कि उसका कितना सर्फेस एरिया जो है वो एयर के कॉन्टैक्ट में है, और इस पर इसके अलावा टेम्परेचर ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड पर भी डिपेंड करता है एवेपोरेशन का प्रोसेस। और एवेपोरेशन की वजह से क्या होता है कूलिंग होता है ना, किस जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो जो अर्थन पॉट होता है, ठीक है, जो घड़ा होता है उसमें लोग पानी रखते हैं तो क्या होता है वो ठंडा हो जाता है। इसका रीज़न क्या है, वहाँ पे एवेपोरेशन प्रोसेस हो रहा है, उस वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है कूलिंग हो रहा है। द अपोजिट प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन इज कंडेंसेशन, क्योंकि एवेपोरेशन में क्या हो रहा है यहाँ पे लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है किसमें वेपर में, और कंडेंसेशन में क्या होता है वेपर कन्वर्ट होता है लिक्विड में। मतलब ये दोनों प्रोसेस क्या है, एवेपोरेशन और कंडेंसेशन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन द सिस्टम। टेम्परेचर एक मेजरमेंट है कि किसी भी सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूल्स है उसमें कितना काइनेटिक एनर्जी है, और या फिर मॉलिक्यूल्स में कितना काइनेटिक एनर्जी है। जितना अधिक काइनेटिक एनर्जी होगा उस मॉलिक्यूल का उतना ही अधिक क्या होगा टेम्परेचर होगा। द वाटर मॉलिक्यूल्स इन अ कप ऑफ हॉट टी हैव अ हायर एवरेज काइनेटिक एनर्जी देन द वाटर मॉलिक्यूल्स इन द कप ऑफ कोल्ड टी। तो कोई भी वाटर मॉलिक्यूल जो कुछ जो कि हॉट टी है जिसमें उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू दैट जिसका टेम्परेचर कम है जिस कप ऑफ टी का, ठीक है, सिंपल है। क्योंकि टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो क्या होगा उसका मोशन बढ़ेगा, जब मोशन बढ़ेगा तो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, विच ऑल्सो मीन्स दैट दे आर मूविंग एट अ हायर वेलोसिटी। देयरफॉर टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। इसलिए कह सकते हैं कि टेम्परेचर क्या एक तरीके से मेजरमेंट है हॉटनेस या कोल्डनेस का। जितना अधिक टेम्परेचर होगा उतना अधिक हॉट होगा, जितना कम टेम्परेचर होगा उतना अधिक वो कोल्ड होगा। नेक्स्ट हमारे टेम्परेचर स्केल्स। तो टेम्परेचर को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स से मापते हैं, फारेनहाइट हो गया, केल्विन हो गया, सेल्सियस स्केल हो गया, तो वगैरह सबको पढ़ते हैं। पहला है फारेनहाइट स्केल। द फारेनहाइट स्केल ऑफ टेम्परेचर वॉज क्रिएटेड बाय द जर्मन साइंटिस्ट डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट इन द अर्ली 18th century। तो फारेनहाइट स्केल को डेवलप किया गया था जर्मन साइंटिस्ट डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट के द्वारा, और कब, 18th century में, अर्ली 18th century में। द फारेनहाइट स्केल टेम्परेचर स्केल इंक्लूड्स नेगेटिव टेम्परेचर बिलो 0 degree फारेनहाइट। तो फारेनहाइट स्केल में क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव टेम्परेचर भी एक्जिस्ट करता है, लाइक 0 degree 0 degree से भी कम। द कोल्डेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो इज -459.67 degree। तो जो कोल्डेस्ट टेम्परेचर जो कि हम फारेनहाइट स्केल से मेज़र कर सकते हैं दैट इज़ एब्सोल्यूट जीरो, जैसे 0 केल्विन होता है, और -459.67 फारेनहाइट। वाटर फ्रीजेस एट 32 degree फारेनहाइट एंड बॉयल्स एट 212 degree। जैसे कि हम लोग सेल्सियस स्केल में देखते हैं कि वो फ्रीज करता है 0 degree पे वाटर, और बॉयल करता है 100 degree पे। उस तरीके से यहाँ पे है कि अगर ये जो फारेनहाइट स्केल में क्या होगा, वाटर जब फ्रीज करेगा 32 degree पे और बॉयल करेगा 212 degree पे। द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट्स आर देयरफॉर 180 degree अपार्ट। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फारेनहाइट स्केल में जो डिफरेंस जो है बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट का वो 180 degree का है, ठीक है। नेक्स्ट सेल्सियस स्केल। द सेल्सियस स्केल इज ऑल्सो रिफर्ड एज द सेंटीग्रेड स्केल। इसको हम सेंटीग्रेड स्केल भी बोलते हैं क्योंकि ये 100 degree डिविजन पे बेस्ड है, और ये बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर के बीच में 100 degree का गैप होता है, क्योंकि वाटर फ्रीज करता है 0 degree पे और ये बॉयल करता है 100 degree पे। फारेनहाइट टू सेल्सियस कैन बी कन्वर्टेड यूजिंग द फॉर्मूला। अगर हमें फारेनहाइट स्केल से सेल्सियस में जाना है, अगर कोई टेम्परेचर फारेनहाइट में दिया हुआ उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, हम कैसे कर सकते हैं। पहले तो यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, डिग्री फारेनहाइट -32/1.8, ठीक है, इससे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक फारेनहाइट सेल्सियस इंक्लूड्स नेगेटिव टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो फॉल्स एट -273.15 degree। जैसे कि फारेनहाइट स्केल में क्या है कि हम नेगेटिव टेम्परेचर को भी डिनोट कर सकते हैं, उस तरीके से सेल्सियस स्केल में भी हम नेगेटिव टेम्परेचर को डिनोट कर सकते हैं। और जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है, 0 केल्विन जो होता है, वो कहाँ पे लाई करता है, -273.15 degree। फिर केल्विन स्केल। द केल्विन स्केल वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम द सेल्सियस स्केल इन द 19th century बाय द ब्रिटिश साइंटिस्ट विलियम थॉम्सन, लेटर कॉल्ड लॉर्ड केल्विन। तो ये जो केल्विन स्केल है इसको अडॉप्ट किया गया था सेल्सियस स्केल के थ्रू ही, ये ब्रिटिश साइंटिस्ट विलियम थॉम्सन के द्वारा, और जिसको बाद में लॉर्ड केल्विन भी बोला जाने लगा। केल्विन वॉज डिजाइन टू इन ऑर्डर टू सेट द 0 point ऑफ द टेम्परेचर स्केल एट एब्सोल्यूट जीरो। इसका बनाने का मेन पर्पस ये था कि 0 degree जो है वो एब्सोल्यूट जीरो पे, मतलब 0 degree जो टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट जीरो पे कॉन्साइड करे। इस वजह से
दस एब्सोल्यूट जीरो इज लोकेटेड एट जीरो केल्विन। और इसलिए क्या होता है कि इसमें केल्विन स्केल में एब्सोल्यूट जीरो जो है वो जीरो केल्विन पे ही होता है, और ये इस पर कोई निगेटिव टेम्परेचर को हम नोट नहीं कर सकते हैं। वन कैन कन्वर्ट फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन बाय एडिंग 273.15 टू द सेल्सियस टेम्परेचर। अगर हमें सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना तो हम सिंपली उसमें 273.15 को ऐड कर देंगे तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन वाटर फ्रीज, वाटर जो फ्रीज करता है अगर हम केल्विन स्केल में देखें तो 273.15 केल्विन पे, और बॉयल करता है 373.15 केल्विन पे। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन, ठीक है। फिर रिलेशंस बिटवीन द डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, तो ये रिलेशन है डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर में। अगर हमें सेंटीग्रेड से फारेनहाइट, फारेनहाइट से केल्विन में जाना था, हम इस रिलेशन का यूज़ कर सकते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 100 इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन 180, फिर के माइनस 273 अपॉन 100। नेक्स्ट हमारे पास कुछ कन्वर्जन स्किल्स दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे टेम्परेचर यूनिट कन्वर्जन। जैसे कि अगर हमें फारेनहाइट से जाना है किस में, फारेनहाइट से जाना है हमें सेल्सियस में, तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हमें जाना मतलब एफ माइनस 32 अपॉन 1.8, वैसे अगर हमें फारेनहाइट से जाना है केल्विन में तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मतलब क्योंकि पहले सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेंगे जिसको यही होता है एफ माइनस 32 अपॉन 1.8, फिर उसमें 273.15 को ऐड कर देंगे। फिर हमें अगर सेल्सियस से फारेनहाइट में जाना है तो हम क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस इंटू 1.8 अपॉन प्लस 32, और सेल्सियस में तो है ही है, ठीक है। उसके बाद अगर सेल्सियस से केल्विन में जाना था हम सिंपली 273.15 को ऐड कर देंगे। अगर केल्विन से जाना है फारेनहाइट में तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, के माइनस 273.15 इंटू 1.8 प्लस 32, और सेल्सियस में जाने के लिए हम क्या करेंगे, बस केल्विन टेम्परेचर से माइनस 273.15 कर देंगे, और ये केल्विन में तो केल्विन में है ही, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि केल्विन को हम डिग्री केल्विन ना लिखकर सिर्फ केल्विन लिखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। टेम्परेचर को जिस डिवाइस से मेजर करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मामीटर। थर्मामीटर डेट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मामीटर विथ रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो हम मेडिसिनल थर्मामीटर का यूज़ करते हैं बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, उसमें जो होता है ना ये मतलब पूरा स्केलिंग होता है ना, मार्किंग जो होता है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। जैसे कि यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है और हीट और टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस बताया गया है। तो हीट क्या होता है? हीट इज़ अ मेजर ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स और मॉलिकुल्स इन अ मटेरियल और सिस्टम। तो हीट क्या है कि हीट एक मेजरमेंट है कि किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का जो काइनेटिक एनर्जी है, उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों का जो कह सकते हैं कि जो सम है वो कितना है, ठीक है। और टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर डिस्क्राइब्स द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स और मॉलिकुल्स विद इन अ मटेरियल और अ सिस्टम। यहाँ पर टोटल काइनेटिक एनर्जी होता है हीट में, लेकिन टेम्परेचर में क्या है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ऑफ एटम्स और मॉलिकुल्स। हीट इज़ क्लासिफाइड एज अ प्रोसेस वेरिएबल, मतलब हीट जो है एक वेरिएबल प्रोसेस है। इट इज़ अ मेजर ऑफ चेंज एंड नॉट अ प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और सिस्टम। तो हीट जो है, हीट को हम नॉर्मली ऐसे यूज़ करते हैं, हम इसको हमेशा चेंज के फॉर्म में निकालते हैं, ठीक है। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना उतना मतलब फिजिबल नहीं है, तो हम इसलिए इसका क्या करते हैं, हमेशा चेंज निकालते हैं। और हीट जो ट्रांसफ़र होगा वो बॉडी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में हमेशा होता है। और टेम्परेचर भी एक स्टेट वेरिएबल है, ठीक है। और इट इज़ अ मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम टेम्परेचर किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का हम मेजर कर सकते हैं। अदर मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूड वेलोसिटी, मास, डेंसिटी। इसके अलावा टेम्परेचर एक मेजरेबल क्वांटिटी है, इसको मेजर कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। इसके और भी एग्जाम्पल्स एक वेलोसिटी, मास, डेंसिटी, इसको भी हम आराम से इंडिविजुअली बना मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट कैन गेन हीट और लॉस हीट बट इट कैन नॉट हैव हीट। इसलिए हम कह सकते हैं कि हीट जो है वो एब्सोल्यूट उसका वैल्यू नहीं निकाल सकता है, क्योंकि हीट हम चेंज बस निकाल सकते हैं, बट उसका जो इंडिविजुअल वैल्यू क्या होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, हीट का, हम वो नहीं निकाल सकते। हीट का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है? जूल। लेकिन टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट है वो है केल्विन। हीट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी कॉज बाय डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन मॉलिकुल्स। हीट जो होता है ना एक ट्रांसफर है किसका? थर्मल एनर्जी का। और ये होता क्यों है? टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से, ठीक है, मॉलिकुल के टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से। फिर हीट वर्सेस टेम्परेचर, इसमें हम कुछ देख लेते हैं। ईच आइटम हैज़ अ सर्टन अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, द कोलिजन अलॉन्ग अमॉन्ग आइटम्स ट्रांसफर काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम वन टू अनदर आइटम। तो जितना भी कोई सब्सटेंस है उसमें जितने भी आइटम्स हैं उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी तो है ही। उसमें जो आइटम का जो कोलिजन हो रहा है वो क्या कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी को एक आइटम से दूसरे आइटम में ट्रांसफर कर रहा है। और जितना अधिक किसी भी मॉलिक्यूल में आइटम होगा उतना ही उसके पास हीट एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगा।
टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ दोज आइटम्स, दस इट प्लेज अ मेजर रोल इन अंडरस्टैंडिंग हाउ मच हीट एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। और टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी है किसका? एटम्स का। तो यहाँ पे अगर हम जब भी टेम्परेचर को कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए स्पेसिफिकली कि कितना अमाउंट ऑफ हीट है पोजेस कर रहा है जितना अमाउंट ऑफ मॉलिकुल्स है, क्योंकि यहाँ पे हमें एवरेज निकालना है। तो लेट्स सेट एट रूम टेम्परेचर टू ग्लासेस ऑफ वाटर, वन कम्प्लीटली फुल अदर एग्जैक्टली हाफ फुल, मे हैव द सेम टेम्परेचर बट द हाफ फुल ग्लास हैज ट्वाइस द हीट एनर्जी ऑफ द हाफ फुल ग्लास बिकॉज द फुल ग्लास हैज ट्वाइस एज मैनी मॉलिकुल्स इच कैरिंग सम हीट। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ कि अगर रूम टेम्परेचर पे हम दो ग्लास में वाटर रखे हुए हैं, ठीक है, एक तो पूरा फुल है और दूसरा जो है वो हाफ फिल्ड है, तो जो टेम्परेचर जो होगा दोनों के पास सेम टेम्परेचर का वाटर हो सकता है, पॉसिबल है, बहुत इजीली हम समझ सकते हैं कि पॉसिबल है कि दोनों ग्लास में पानी रखा हुआ है वो एक ही उसका दोनों का टेम्परेचर सेम है, बट जो उसमें जो मॉलिकुल्स हैं उसका जो हीट है वो दोनों में डिफरेंट होगा, ठीक है, क्योंकि जो मॉलिकुल्स जो हाफ फिल्ड है ग्लास है उसमें मॉलिकुल्स जो है वो लगभग हाफ होंगे इन कंपेरिजन टू डैट जिसके पास पूरा ग्लास फिल्ड मतलब जितना एटम्स है उसमें। इस वजह से जो हीट जो होगा वो ज़्यादा किस में होगा, फुल जो ग्लास है उसमें, और हीट कम होगा किस में, जिसमें हाफ जो ग्लास फुल है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि फॉर अदर पर्पस वी यूज द लेबोरेटरी थर्मामीटर्स, द रेंज ऑफ दिस थर्मामीटर्स इज यूजली -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक चीज़ यहाँ पे ये दिया हुआ है कि हम वैसे कि अगर तो सिंपली अगर हमें यूज़ करना है क्लिनिकल थर्मामीटर उसमें तो 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही उसमें कैलिवर होता है, लेकिन अगर हमें उससे और भी अलग टेम्परेचर अगर हमें देखना है मेजर करना तो हमें कौन सा यूज़ करना पड़ेगा? लेबोरेटरी थर्मामीटर। इसमें होता है -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर को हम मेज़र कर सकते हैं। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर वेरीज बाय पर्सन एज एक्टिविटी एंड टाइम ऑफ डे। तो किसी भी पर्सन का जो बॉडी टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है कि उसकी एज क्या है, वो पर्सन क्या एक्टिविटी कर रहा है ना, और कौन सा टाइम है, समर सीजन है, विंटर सीजन है। द एवरेज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज जनरली एक्सेप्टेड एज 92.98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन एवरेज जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो एक्सेप्ट किया गया है वो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट में थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन इज अ टेंडेंसी ऑफ मैटर टू चेंज इट्स शेप एरिया एंड वॉल्यूम इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन टेम्परेचर। थर्मल एक्सपेंशन क्या है? किसी भी मैटर का वो टेंडेंसी जिसके वजह से वो अपना शेप एरिया या फिर वॉल्यूम चेंज कर सकता है, ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा उस रिस्पेक्ट में। और ये हर सारे स्टेट में होता है, चाहे वो सॉलिड लिक्विड और गैस ऑफ मैटर सारे स्टेट में होता है। ऑन हीटिंग अ सब्सटेंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। कोई भी सब्सटेंस को अगर हम हीट करते हैं तो क्या होता है, उसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर जाता है। इस वजह से जो मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट है वो वाइब्रेट करने लगते हैं, और इस वजह से जो जैसे जैसे वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा, वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेपरेट करेंगे, ठीक है, अलग अलग हो जाएंगे। द गैसेज एक्सपेंड मोर देन लिक्विड्स एंड लिक्विड्स एक्सपेंड मोर देन सॉलिड्स फॉर द सेम अमाउंट ऑफ हीट। अगर हम लिक्विड या फिर गैस और सॉलिड को अगर हम सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी प्रोवाइड कर दें तो गैस में जो होगा वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स बिल्कुल फ्री हैं, और लिक्विड में उससे थोड़ा कम वाइब्रेशन होगा लेकिन सॉलिड में बहुत कम वाइब्रेशन होगा, क्योंकि वो एनर्जी जो है कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो उस पार्टिकल्स को अलग करने में लगेगा, फिर उसमें वाइब्रेशन होगा, ठीक है। हाउएवर देयर इज एन एक्सेप्शन दैट द वॉल्यूम ऑफ वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि अगर हम वाटर का जो देखें, वाटर जो है उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, वो किस रेंज तक, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी जो होता है आइस का मैक्सिमम होता है कहाँ पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। दिस फेनोमेनन इज टर्म एज एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। इसी फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। द रिलेटिव एक्सपेंशन डिवाइडेड बाय द चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड द मटेरियल्स कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड जनरली वेरीज विद टेम्परेचर। तो किसी भी अगर हम कोई भी सब्सटेंस का अगर रिलेटिव एक्सपेंशन है उसको डिवाइड करते हैं टेम्परेचर से, हम उसको उससे हमें क्या मिल जाएगा, मटेरियल्स कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, जो कि विद इन द टेम्परेचर जो है वो वेरी करता है। कुछ एप्लीकेशन से थर्मल एक्सपेंशन के उसको देख लेते हैं। थर्मामीटर्स यूज द एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड सच एज द मरकरी और एल्कोहल टू मेजर द टेम्परेचर यूजिंग अ कैलिब्रेटेड स्केल। तो थर्मामीटर में भी क्या होता है, यहाँ पे जिसमें मरकरी फिल थर्मामीटर होता है वो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, मरकरी जो है वो एक्सपेंड करेगा, उसी के हेल्प से वहाँ पे जो है उस स्केल पे टेम्परेचर शो होगा, ठीक है। रेलवे लाइंस रिक्वायर एक्सपेंशन गैप्स टू अवॉइड बकलिंग इन हॉट वेदर। तो और जैसे रेलवे एक्सपेंशन रेलवे ट्रैक्स में क्या होता है, गैप होता है, इसका रीज़न क्या है कि वहाँ पे जो क्योंकि जब टेम्परेचर कम हो जाए तो वो बकल ना कर जाए, ठीक है, वो एक दूसरे से सिकुड़ ना जाए इन, या फिर अगर गर्मी का सीजन है तो वो एक्सपांड ना कर जाए। इन अ कास्ट रेडिएटर प्योर वाटर इज नॉट यूज्ड एज इट हैज़ अ फार
हायर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन देन अ टिपिकल इंजन कूलेंट। तो कार के रेडिएटर में हम नॉर्मल वाटर को यूज़ नहीं करते क्योंकि उसके पास जो होता है वॉल्यूम ऑफ कोफिशिएंट वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, लिक्विड बहुत अधिक एक्सपेंड करेगा, इसलिए हम वहाँ पर इंजन कूलेंट का यूज़ करते हैं। इट कैन बी हजार्डस इन कोल्ड वेदर बिकॉज फ्रोजन वाटर इन अ रेडिएटर कुड एक्सपेंड इनफ टू क्रैक द इंजन ब्लॉक। और क्योंकि अगर हम कोल्ड वेदर में देखें तो क्या होगा, तो वाटर फ्रीज कर जाएगा और उसका एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होगा तो वो उसको इंजन को तोड़ भी सकता है ना। इस वजह से हम वहाँ पे प्योर वाटर का यूज़ ना करके इंजन कूलेंट का यूज़ करते हैं। उस फिर हमारे पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसको देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें व्हाट हैपेंस टू काइनेटिक एनर्जी व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टेकन टू हाई एल्टीट्यूड। तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम हाई एल्टीट्यूड पे ले जाएंगे तो क्या होता है, उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, वो पहले डिक्रीज करेगा क्योंकि वहाँ पे उसके पास क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। ड्यू टू अप्लीकेशन ऑफ 10 न्यूटन फोर्स एन ऑब्जेक्ट मूव 20 मीटर अलॉन्ग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें हम 10 न्यूटन का हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है, 10 न्यूटन का। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बॉडी का वो ऊपर हो रहा है 90 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा वर्क का, कॉस 90 का वैल्यू क्या होगा, जीरो, मतलब वर्क डन कितना होगा, जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका, जीरो जूल। विच आर द फॉलोइंग आर स्केलर क्वांटिटी, इसमें कौन से स्केलर क्वांटिटी हैं, एनर्जी, डिस्प्लेसमेंट, पावर और वर्क। तो यहाँ पे जो इसका हम कह सकते हैं कि जो इसका स्केलर क्वांटिटी यहाँ पे कौन सा है, वो पावर है, ठीक है। पावर के अलावा यहाँ पे ये एनर्जी भी है, ठीक है, और वर्क भी है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। बाकी जो 1, 3 जो और 4 जो है वो सारे क्या स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड कंटेन द सेम अमाउंट ऑफ हीट, एक पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। इफ़ एन एयर कंडीशनर हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रूम एट द एवेपोरेटर कॉइल्स एंड इज इजेक्टेड द कंडेंसर कॉइल्स। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि कौन सा क्वेश्चन था, 4 नंबर है ना, तो इसमें ये क्वेश्चन था कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इन एन एयर कंडीशन हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रूम एयर एट द एवेपोरेटर कॉइल्स एंड इज इजेक्टेड आउट द कंडेंसर कॉइल। इसमें कौन सा जो है स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो इसमें जो स्टेटमेंट ट्रू है बस वो 3rd नंबर वाला है, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दोनों क्या होता है, डिफरेंट होता है। उसके बाद अगर स्टीम कोई अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टीम है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है बोल सकते हैं लिक्विड है, दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, डिफरेंट होगा, दोनों का एनर्जी जो है वो डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या लेटेंट हीट भी है, अगर जो मतलब आइस है, ठीक है, या फिर जो कह सकते हैं जो स्टीम है। व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड इट्स वॉल्यूम। तो पहले अगर हम वाटर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम हीट करें तो यहाँ तक बीच में तो 4 आएगा ना, तो मतलब क्या होगा, पहले तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, ठीक है, फिर वॉल्यूम क्या होगा वो इंक्रीज करेगा। तो फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, मतलब इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर कंपेयर टू क्लाउडलेस नाइट्स बिकॉज क्लाउड्स। तो जो क्लाउडी नाइट्स होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा गर्म होते हैं इन कंपेरिजन टू जो क्लाउडलेस नाइट्स बिकॉज। तो क्लाउड्स हैं वो प्रिवेंट कोल्ड वेव्स फ्रॉम द स्काई फ्रॉम डिसेंडिंग ऑन अर्थ। सेकेंड, रिफ्लेक्ट बैक द हीट गिवन ऑफ द बाय द अर्थ, प्रोड्यूस हीट एंड रेडिएट इट टुवर्ड्स द अर्थ, है ना। उसके बाद फिर बोल रहा है एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड सेंड इट टुवर्ड्स द अर्थ। उसका कौन सा इसमें बोल रहा है कि कौन सा इसका आंसर होगा, ठीक है। तो क्लाउडी नाइट्स में क्या होता है, जो भी हम यहाँ पे जो हीट है, ठीक है, मतलब अर्थ का, ठीक है, उसको बाद उसको अर्थ से रिफ्लेक्ट बैक कर देता है क्लाउड्स, ठीक, इस वजह से उस टाइम में ज़्यादा मतलब वार्म होता है, ठीक है, उसको बाहर कर देता है इस वजह से। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे वेव एंड साउंड के बारे में। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।